मौसम कौन कुटिल खल कामी। कौन है कामी और कुटिल जो भगवान को भूल गया। ठीक इसी तरह से भगवान ने भी एक श्लोक कहा बहुत सुंदर। उन्होंने क्या बोला, निर्देह माध्यम, भगवान कह रहे हैं ये बात, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेम नभ सुपेरितम कुमान भवाभिधम ना तरित सा आत्मा। निर्देह माध्यम इतनी सुलभता से, सुलभम सुदुर्लभम, ये शरीर जो अति दुर्लभता, हम सब इतने बुढ़वक हैं, बंगाल में बिहार में बोलते हैं बुढ़वक, मेरे मिस्त्री से सीखा, इतने बुढ़वक हैं कि हम बिल्कुल भूल गए भगवान का ये शरीर का हमारा एम क्या था, इसको हम भूल गए हैं। मतलब आप लोग अन्यथा मत कीजिएगा, हम लोग सच में भूल चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माताएं ये बहुत अच्छे से समझेंगी, जब वो रसोई बनाती हैं तो फ्रिज का दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती है, क्या लेने आए थे, ओहो भूल गए, फिर लौट जाती हैं। हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही, हम कन्फ्यूज हैं, गुरु जी बताते हैं ना, हम सब कन्फ्यूज हैं, करने कुछ और आए थे, वो दुबे चौबे से कुछ है ना कहावत, करने कुछ और आए थे और कर कुछ और ही रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खा रहे हैं और भोग कर रहे हैं, इसके लिए नहीं आए थे यहाँ पे, साथ में कुछ और भी करना था, वो भूल गए। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, सुलभम सुदुर्लभम, ये जो शरीर था अति दुर्लभ था, सुलभता से मिल गया, अब क्या, गुरु कर्ण धारम, गुरु जी की जब तक हम शरणागति नहीं होंगे, उनके हम चरणों का शेल्टर नहीं लेंगे, तब तक इस भवसागर से पार होना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। लोग आते हैं मुझे भी पूछते हैं, मैं मंदिर में सुनता हूँ, वो बोलते हैं अरे क्या जरूरत है गुरु जी की, जो आप यहाँ कर रहे हो घर में भी तो कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल दो बालक हैं, आपके दो बच्चे हैं, कितने हैं, एक को आपने स्कूल भेजा, उसने फिर कॉलेज भी गया, फिर ग्रेजुएशन भी हो गया, उसके हाथ में आ गया डिग्री, दूसरे बच्चा, उसका विवेक ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 40-50% वाला स्टूडेंट है, और जो पहला बच्चा था उसको आपने कभी स्कूल नहीं भेजा, आपके पास बहुत पैसा था, आपने टीचर्स को ही घर में बुला बुला के पढ़ाया, कभी स्कूल भेजा नहीं, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है। अब जब नौकरी का नंबर आएगा तो किसको नौकरी मिलेगी, जिसके पास डिग्री है या जिसके पास डिग्री नहीं है। ज्यादा बुद्धिमत्ता होने पर भी डिग्री नहीं है तो स्कूल में एडमिशन, सॉरी ऑफिस में नौकरी नहीं मिलेगा, कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर गुरुजी की शरण नहीं लेंगे तो चाहे जितनी मनमर्जी भक्ति कर लो आप, आपको निश्चित रूप से भगवान की शरणागति भगवान नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और इस चक्कर में विशेष साइकिल है ना, जो ये भवसागर में गोल 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 घूमते ही रहना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज गोसाई जी वो क्या कह रहे हैं, गुरु बिन भवना तरह कोई, जो बिरंची ब्रह्मा, जो बिरंची शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा शंकर जी जैसे भी क्यों ना हो जाओ शक्तिशाली, लेकिन गुरु बिन भवना तरह कोई, गुरु जी की शरणागत हुए बिना इस भवसागर से पार होना जस्ट इम्पॉसिबल। आई एम पॉसिबल प्रकाश, अंधकार को हिंदी में बोल सकते हैं इग्नोरेंस, और प्रकाश जानते हैं एनलाइटमेंट, रोशनी, तो जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, गुरु का नाम रूगु नहीं है, प्रकाश से अंधकार नहीं, गुरु, जो गु से रू ले जाए, मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको कहते हैं गुरु।